उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को रथ की सवारी निकाली गई। जिसमें ठाकुर रंगनाथ भगवान ने रथ में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। रथ को रस्सों से खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। संपूर्ण वातावरण ठाकुर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे रंग जी का मेला लगा हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है वृंदावन का। यहाँ पे रथ खींच के बहुत ही आनंद आया और यहाँ पे भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है और उससे भी देख के बहुत मजे आ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग हैं, अच्छा लग रहा है और पता चला है वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मेला है, अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आज रंगनाथ भगवान रथ पर सवार हुए थे। आज रंगनाथ भगवान रथ पर सवार हुए थे और राधा जी को लेने आए हैं और कल यहाँ पर होली हुई थी। इस तरीके से पूरी एक लीला बनाई जा रही है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। क्या कहेंगे ऐसे उत्सव के लिए? ऐसा उत्सव वर्ष में, ये काफ़ी पुराना मेला है, यहाँ पे कई वर्षों से लग रहा है और आनंद आ रहा है यहाँ पे। और ये भगवान की सारी लीला है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है और उससे देखकर भी बहुत ही आनंद आ रहा है, पता चलता है भगवान के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा मेला हर वर्ष लगना चाहिए और हर शहर में लगना चाहिए। भगवान रंगनाथ जी पालकी द्वारा रंग जी मंदिर से रथ तक लाए गए और वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विशालकाय चंदन से निर्मित रथ में उनको विराजमान किया गया। रथ के पहिए के नीचे पेठे की बलि देखकर सवारी की शुरुआत की गई। श्रद्धालु रथ को रस्सों से खींचते हुए रंग जी के बड़े बगीचे तक ले गए। श्रद्धालुओं ने आस्था विश्वास के साथ रथ खींचकर पुण्य लाभ कमाया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती कर रथ में विराजित ठाकुर जी का स्वागत किया। चंदन की लकड़ी से निर्मित विशाल एवं भव्य रथ में विराजित भगवान रंगनाथ की एक झलक पाने के लिए हर कोई आतुर था। मेरा नाम कृष्णकांत शास्त्री। कहाँ से हैं? जी हमें ग्वालियर से। आज रंगनाथ भगवान के दर्शन किए, आपने क्या करना है? जी हम जैसे तो हमको यहाँ पे 15 वर्ष हो चुका है कि 15 वर्ष प्रति माह से प्रति वर्ष की बात ही हम इसके दर्शन करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। ये 10 दिन का जो ब्रह्मोत्सव बनता है जिसमें हमारे बालक स्वामी जी महाराज के द्वारा, इसमें बहुत ही आनंद आता है। सब लोग माने श्रद्धालु जितने भी देहातों से और क्षेत्रों से सभी जो दर्शन करने के लिए आते हैं बड़ा ही आनंद लेते हैं। जो नित्य प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से सवारी निकलती है, किसी दिन घोड़े से निकलती है, किसी दिन शेष नाग पे निकलती है, इसी प्रकार से मैंने दर्शन सभी को प्राप्त होता है, बड़ा आनंद आता है।